सवाल बड़ौदा को लेके मैं ये बिल्कुल नहीं पूछूंगा कि टिकट किसको मिलेगी, ये आप भी मुझे नहीं बताएंगे, लेकिन प्रभारी कौन? विवेक बंसल जी। प्रचार ये किया जा रहा था कि दीपेंद्र हुड्डा को प्रभार दिया गया इस चुनाव का, हालांकि वो ऑफिशियल क्योंकि आप डिक्लेयर। इस तरह की कोई डिस्कशन हमारी नहीं हुई है। हरियाणा में कैबिनेट की मीटिंग बुला ली गई है और ये माना जा रहा है कि बड़ौदा को लेकर कुछ घोषणा हुई थी, उनको अमली जामा पहना देंगे, उस पर मोहर लगा देंगे, कितना फर्क पड़ेगा चुनाव पे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर इनको काम करना होता तो ये पहले काम करते, इनके पांव उखड़े हुए हैं। मनोहर लाल खट्टर ने गोहाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुछ लोगों ने कहा कि अगर वो हल्के में आते तो ज्यादा बेटर। डर तो है ही इनको, जहां भी जा रहे हैं आप देख रहे हैं, चाहे इनके मंत्री जाए या कोई भी जाए, लोग तो सामने खड़े हो जाते हैं, सवाल पूछते हैं। कांग्रेस में गुटबाजी जग जाहिर है, आप इनकार करेंगे मुझे मालूम है, लेकिन उसका असर कितना? आप भी अजीब बात कर रहे हो, कौन सी गुटबाजी? ये सवाल बेहतर होगा कि जो सत्तारूढ़ पक्ष है उनसे पूछिएगा। अभय सिंह चौटाला के मजबूत होने से बीजेपी को फायदा, कांग्रेस को फायदा? नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है, मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मेरे साथ हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा हैं, खास बातचीत करेंगे। राजनीति का आपको पता है कि बड़ौदा का उपचुनाव है। मैडम, सवाल बड़ौदा को लेकर मैं ये बिल्कुल नहीं पूछूंगा कि टिकट किसको मिलेगी, ये आप भी मुझे नहीं बताएंगे, लेकिन प्रभारी कौन है, किसकी देखरेख में चुनाव हो रहा है? नहीं, हमारे प्रभारी प्रदेश के हैं विवेक बंसल जी, और पार्टी का AICC की ओर से वो देख रहे हैं, और ये माना जाए कि चुनाव भी उनकी देखरेख में ही होगा। और हम सभी लोग, मैं हूँ, CLP लीडर हैं और दूसरे भी हमारे जो नेता हैं, सभी लोग उनके दिशा निर्देश से सारे सब काम कर। प्रचार ये किया जा रहा था कि दीपेंद्र हुड्डा को प्रभार दिया गया इस चुनाव का, हालांकि वो ऑफिशियल क्योंकि आप डिक्लेयर। अभी इस तरह की कोई डिस्कशन हमारी नहीं हुई है, अभी हम केवल जो और दूसरे पहलू हैं इस उपचुनाव के, उस पर बातचीत कर रहे हैं, और हमारे प्रभारी जैसे जैसे हमारी मीटिंग लेते हैं, हमारे से बात करते हैं, तो हम बैठ के उसमें डिस्कस करते हैं। हमें कैबिनेट की मीटिंग बुला ली गई है और ये माना जा रहा है कि बड़ौदा को लेकर कुछ घोषणा हुई थी, उनको अमली जामा पहना देंगे, उस पर मोहर लगा देंगे, कितना फर्क पड़ेगा चुनाव पे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अनाउंसमेंट ही अनाउंसमेंट होती हैं, और अब चुनाव के बीच में इस तरह की मोहर लगाने का क्या मतलब? अगर इनको काम करना होता तो ये पहले काम करते, इससे तो बल्कि साफ नज़र आता है कि इनके पाँव उखड़े हुए हैं, और अब ये इधर उधर की इस तरह की बातें सोचते हैं कि लोगों में लोभ डालेंगे और ऐसी बातें अनाउंस करके, इसका कोई मायने नहीं है। बीजेपी नेताओं का बड़ा विरोध हो रहा है, जब भी बड़ौदा में जाते हैं काले झंडे दिखाते हैं, उनको बोर्ड लग गए कि इनको घुसने ना दिया जाए, कांग्रेस शामिल है इस तरह के बोर्ड लगवाने? कांग्रेस का कुछ नहीं, ये लोगों का अपना है, लोगों का रोष है इस सरकार के खिलाफ और इस सरकार की नीतियों के खिलाफ, चाहे वो गरीब आदमी है चाहे किसान है, सभी लोग आज इस सरकार में, सभी लोग इतने ज़्यादा दुखी हैं, आप देख रहे हैं जगह जगह पर, चाहे किसान है, मजदूर है या कोई भी इंसान है, क्योंकि इन्होंने अपनी गलत नीतियों से हमारे प्रदेश का भट्ठा बैठा दिया, तो लोग अपने आप अंदर से उनकी बात है और स्वयं उठकर वो विरोध कर रहे हैं इनका। इसमें कांग्रेस पार्टी क्या, कांग्रेस पार्टी तो चुनाव लड़ेगी, उसमें हम दिखाएंगे। बीजेपी ये स्लोगन देती है कि आप सरकार के सत्ता के साथ में जाना पसंद करेंगे या विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे, इस तरह इस चीज़ को कांग्रेस कैसे लेती, लोग कैसे ले रहे हैं? अब ये कुछ भी कहें, लोगों के बीच में जाने को और कुछ कहने को है नहीं, कभी अब ये इतना आखिर में जाके दिखा रहे हैं विकास, कौन सा विकास पहले किया होता, अभी 6 साल में क्या करके दिखाया तुमने, तो अब क्या कर रहे हो, और अब इस तरह की भी बातें करने का, तो सत्ता के इन्होंने ये नहीं दिखाया कि सत्ता की ओर लोग जाएं क्यों, क्यों जाएं, लोगों के ये बात गले नहीं उतर रही है। मनोहर लाल खट्टर ने गोहाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुछ लोगों ने कहा कि अगर वो हल्के में आते तो ज़्यादा बेटर होता, कोई डर लग रहा था? डर तो है ही इनको, जहाँ भी जा रहे हैं आप देख रहे हैं, चाहे इनके मंत्री जाए या कोई भी जाए, लोग तो सामने खड़े हो जाते हैं, सवाल पूछते हैं, जो कि जायज़ है आज के दिन। अच्छा, एक आखिरी सवाल और आपसे, कांग्रेस में गुटबाजी जग जाहिर है, आप इनकार करेंगे मुझे मालूम है, लेकिन उसका असर कितना? आप भी अजीब बात कर रहे हो, कौन सी गुटबाजी? जो फैसले हम सब लोग मिल बैठ कर रहे हैं, जो अभी आपने देखा राहुल जी आए, सभी लोगों ने मिलकर पूरे उत्साह से राहुल जी का कार्यक्रम किया, कौन सी गुटबाजी होती है? कोई गुटबाजी? चुनाव पे कितना था? आप ये सवाल बेहतर होगा कि जो सत्तारूढ़ पक्ष है उनसे पूछिएगा कि उनके क्या अपने उसमें, चाहे उनके मंत्री हैं, चाहे उनके विधायक हैं, चाहे उनकी जो सपोर्टिंग पार्टी है उनके विधायक हैं, आप पूछ लीजिए, कभी कोई सड़क पर बैठा होता है, कभी कोई बयान कर रहा होता है, उनसे पूछिए गुटबाजी का, जिसका असर, गलत असर पड़ रहा है हरियाणा के शासन में। अभय सिंह चौटाला के मजबूत होने से बीजेपी को फायदा, कांग्रेस को फायदा?
देखो मजबूती तो अब एक वो पार्टी है उनकी और वो अपनी पार्टी के लिए काम करेंगे, वो उनका अधिकार है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज के दिन उनकी पार्टी का इतना ज़्यादा कोई रेलेवेंस बचा है हरियाणा। शुक्रिया शैलजा जी बात करने के लिए। तो कुमारी शैलजा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं, कहना इनका ये है कि कांग्रेस की बजाय बीजेपी में ज़्यादा गुटबाजी है, ये इनका मानना है। आप क्या कहते हैं, कमेंट आप जरूर लिखें नीचे। और आप देखते हैं एक मत पोस्ट।